जो बिहार जी के पास जल स्तर था वो बिहार जी के गेट तक पहुंच चुका था, अब वो कम हो चुका है। श्री राधे आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये मदन मोहन जी मंदिर है जो कि बांके बिहारी मंदिर के पास में है और यहाँ पर अभी पानी कम हो चुका है और आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग के सामने और ये मदन मोहन जी का मंदिर है, ये देखिए सामने देख रहे हैं मदन मोहन जी मंदिर। और अभी हम मदन मोहन जी मंदिर के ऊपर हैं, ये देखिए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं नीला बोर्ड, ये है श्री बांके बिहारी जी मंदिर जाने वाला VIP रास्ता। और यहाँ देखिए पानी कम हो चुका है परिक्रमा मार्ग में, जो बिहार जी के पास जल स्तर था वो बिहार जी के गेट तक पहुँच चुका था, अब वो कम हो चुका है। और ये आप सामने देख रहे हैं ये केसी घाट दिख रहा है आपको सामने, देखिए ये केसी घाट है, पूरा केसी घाट पर तो अभी पानी है लेकिन इधर धीरे धीरे कम हो चुका है। पहले यहाँ जो आप कचरा देख रहे हैं ना यहाँ तक पानी था लेकिन अब धीरे देखिए पीछे जा रहा है पानी और सड़क खाली हो चुकी है, सिर्फ यहीं तक है। और आगे का मैं भी वहाँ आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। और ये देखिए मौसम बढ़िया है मदन मोहन जी मंदिर पर, पानी तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अभी एक दिन में कम हुआ है इतना। ये देखिए ये सभी देखने आए हैं यमुना जी दर्शन करने के लिए। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में अभी पानी है लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत खाली हो चुका है, बाकी मदन मोहन जी का मंदिर का नीचे का हिस्सा पूरा भरा हुआ है। भैया आप जो सामने सभी घर देख रहे हैं ये सभी घर जलमग्न हुए हैं इस समय, ये देखिए सभी घरों में जल है अभी, क्योंकि अभी वहाँ से नहीं, अभी सिर्फ ये मार्ग में थोड़ा यहीं से खाली हुआ है। ये देखिए संत परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा जी की परिक्रमा चल रही है। ये देखिए घाट में भी पानी है और ये पहले घाट के ऊपर तक पानी था, अब तो नीचे हो गया, मतलब पानी कम हो रहा है दिन ब दिन। ये एक दिन आज ही कम हुआ है वैसे, कल तो पूरा पानी था। ये भक्त परिक्रमा भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है। ये आप दर्शन कर रहे हैं सामने यमुना महारानी जी के इतने विशाल रूप में, ये भी यहाँ ये पानी खाली हो चुका है। यहाँ से लेकर आगे जुगल घाट तक तो पानी नहीं है, जुगल घाट से थोड़ा आगे भी वहाँ पानी नहीं है लेकिन उसके बाद है, क्योंकि वहाँ से केसी घाट शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मुझे एक घाट दिख रहा है वहाँ से पूरे में पानी है, केसी घाट के उधर भी है अभी तो, क्योंकि वहाँ पानी का स्तर ज़्यादा था, अभी सिर्फ पानी यहाँ से आगे जुगल घाट तक कम हुआ है, बाकी पूरे में अभी पानी है। और ये अभी परिक्रमा पूरा बंद है, यहाँ से लेकर ये पानी जो है यहाँ से लेकर इस्कॉन गौशाला आगे है वहाँ तक ये पूरा पानी ऐसे भरा हुआ है, और आगे काली धब्बा तो बहुत ज़्यादा पानी है। और ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं यमुना महारानी जी के, ऊपर से दर्शन किए और अब मैं चलता हूँ नीचे, नीचे परिक्रमा मार्ग में क्या स्थिति है पानी की और कितना है वो मैं आपको वहीं चलकर दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखिए। और ये देखिए ये मदन मोहन जी की सीढ़ियाँ हैं, पानी सिर्फ नीचे तक है, पहले जो यमुना जी का बहाव था वो यहीं से था, अब देखिए ये पूरा जलमग्न हुआ है। जब यमुना जी अपने वापस स्वरूप में आई तो लोगों को लगा बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। ये 1978 के बाद करीब 45 वर्ष बाद इस तरह का देखने को मिला है वृंदावन में। ये देखिए यहाँ पानी कम हो चुका है, आपको देख रहे होंगे पत्थर दिखने लगे। और ये ऊपर देखिए मदन मोहन जी मंदिर, कितना सुंदर व्यू है, नीचे यमुना जी। ये देखिए पानी बिल्कुल कम हो चुका है और ये मदन मोहन जी का गेट है, जैसे घुमाकर बाहर निकलते हैं लेकिन ये नहीं घुमा। ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग, अब यहाँ गड्ढा है कि नहीं देख के चला, और नहीं पानी यहाँ है, यहाँ तो पानी अभी है, वो देखिए वहाँ पर पानी नहीं है। लेकिन काली दह जो आगे आप देख रहे हैं, काली दह वो जहाँ भीड़ वगैरह है वहाँ से और फिर आगे इस्कॉन गौशाला तक, यहाँ से बिहारी जी के VIP का जो गेट आप ये बोर्ड देख रहे हैं यहाँ से लेकर इस्कॉन गौशाला तक अभी इस तरह का ही पानी है। और ये देखिए ये यमुना जी हैं, देखिए गाड़ी यहाँ डूबी हुई है
ये गाड़ी तो खराब हो गई, आगे भी गाड़ी डूबी हुई है वहाँ पर जो पहले घर के पास खड़ी हुई थी, और पहले नाव चल रही थी, देखिए अब नाव नहीं चल रही है, अब नाव नहीं चल रही है क्योंकि अब दिखने लगा ना, देखिए परिक्रमा मार्ग दिखने लगा है। पहले यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अब कम हो चुका है, तो अब नाव भी यहाँ चलना बंद हो गई हैं। ये देखिए चल रही हैं लेकिन वो खींच रहे हैं पैरों से, ये देखिए। और यहाँ से आगे जुगल घाट तक पानी नहीं है, फिर वहाँ पूरे एरिया में केसी घाट से लेकर पानी गाँव या पानी घाट चौराया एक वहाँ तक पानी है। तो परिक्रमा मार्ग कह सकते हैं अभी पूरा ब्लॉक है इस समय, तो परिक्रमा में नहाए बाकी दर्शन पूरे मंदिरों के बढ़िया हो रहे हैं। गाड़ी भी चल रही है और नाव भी चल रही है, गाड़ी धुआं दे गई लेकिन नाव आ रही है, ये गाड़ी देखते हैं कहां तक जाती है। एक गाड़ी और आई, ये देखो नाव और गाड़ी दोनों साथ साथ चल रही हैं परिक्रमा मार्ग में।